नहीं रखेंगे तो हम अपनी फरियाद किसे कहेंगे? तो तुम्हें घर बैठ के आराम करना चाहिए। आराम तो किस्मत वालों को मिलता है। भवानी, तुम्हारी वजह से ट्यूशन द्वारा जो मैंने पैसे कमा कर घर भेजे थे वो नहीं मिल गए, वो लोग बहुत खुश हैं। हमारी लाख कोशिश के बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे। बाबा जी ये क्या हो गया? बाबा देखो, जो गर्मी की शिया के शादी के लिए बनाए थे वो तुम्हारी माँ ने गिरवी रखकर मेरा ऑपरेशन करवाया, और तो और ऐसे बुरे वक्त पर शिया के ससुराल वाले उसका रिश्ता तोड़ के चले गए। अब कान खोलकर सुन लो, अब ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं बहन जी, हम पर रहम कीजिए बहन जी, किस्मत के मारे हुए हम बेटी वाले हैं बहन जी, चाहे अपना घर बार बेचना पड़े लेकिन हमने जो जुबान दी है वो हम जरूर पूरी करेंगे बहन जी। जरूर पूरी करेंगे, तुमने तो कहा था कि हम शादी से पहले पूरी की पूरी रकम अदा कर देंगे। अरे इसीलिए तो हमने तुम्हारी अनपढ़ बेटी से अपने पढ़े लिखे बेटे का रिश्ता तय किया। रकम तुमने दी नहीं, अब ये शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा ना करो बहन जी, तुम्हारे घर में भी कोई बेटी होगी। मगर मेरी बेटी इनकी बेटी की तरह अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़ी लिखी है मेरी बेटी। अरे 20 और रिश्ते आ जाएंगे उसके लिए, मगर इनकी अनपढ़ गंवार बेटी से शादी करेगा ही कौन? कोई बात नहीं बहन जी, तुम्हारे घर जाकर पढ़ लिख लेगी। हाँ हाँ, हमारे घर जाकर पढ़ लेगी। क्यों, क्या हमने अपने घर में पढ़ने लिखने का स्कूल खोल रखा है? अरे अगर उसे पढ़ाना लिखाना ही है तो किसी साक्षरता अभियान में भेज दे, सरकार ने जगह जगह साक्षरता अभियान खोल रखे हैं। अरे बचपन से इसकी चिंता की होती तो जैसे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा है वैसे ही इसे भी भेज देती, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। कान खोल कर सुन लो, अब हम जा रहे हैं ये रिश्ता तोड़कर, हमारे पीछे पीछे मत आना। आओगे तो रकम साथ लेकर आना। क्यों जी, अब क्या बैठे हो, चलो। और इस तरह से बेटी पिछले के ससुराल वाले सारी बस्ती के सामने हमें बेइज्जत करके चले गए। बस बाबा बस, इतना बड़ा और आपने मुझे बता तक नहीं, क्यों बाबा क्यों क्यों? कृष्णा के ससुराल वालों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जिसने आपको अपाहिज बनाया है मैं उसको देखूंगा। सेठ करोड़ी मल मैं तेरी रावों के लिए धारण कर दूंगा, कयामत ले आऊंगा मैं, कयामत। अरे हुजूर, बागडोर मेरे हाथ में है, इसीलिए तो सुसरे कम पढ़े लिखे मजदूरों को 200 रुपए की जगह 500 रुपए पे अंगूठा लगवाता हूँ। आधा मिसाल नन्नू की ले लो, 1 लाख का जमीला है, 1 लाख का उसका हाथ कटा है, मगर सरकार में दमड़ी तक नहीं जाने दूंगा। मैंने आपका नमक खाया है, गुड़ नहीं। साहब जी, वो नन्नू था ना, उसका बेटा आया राजा, आपसे मिलना चाहता है। नन्नू का बेटा राजा आया? अच्छा मैं देखता हूँ। अरे मुनीम जी, उसे जाकर भेज दो। अरे हुजूर, शहर से पढ़कर आया है, जरूर नौकरी मांगने आया होगा। नहीं मुनीम जी, मैं यहाँ पर नौकरी मांगने नहीं आया, मैं यहाँ पर अपने बाबा की नौकरी का हिसाब करने आया हूँ, समझे आप। कौन सी नौकरी, कौन सा हिसाब? अरे हमने तो पिछले 30 सालों में किसी को हिसाब नहीं दिया, फिर तू कौन सा मुंह लेकर हमसे हिसाब मांगने आ गया रे? आप चुप रहिए मुनीम जी,
आप मेरे मुंह मत लगे, समझे आप? सेठ जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वही बात जो आप सब लोग जानते हैं, मेरे बाबा के हाथ के मुआवजे की बात। सेठ जी, जिस हाथ ने आपकी 30 साल तक खिदमत की है वो हाथ आज कट चुका है। सेठ जी, हम लोग बेसहारा और लाचार हो गए हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है आप। राजा, तुम्हारे हौसले और लियाकत से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए सब बातों के बदले में हम तुम्हें आज इसी वक्त अपनी मिल में नौकरी देने के लिए तैयार हैं। बोलो, तुम्हें मंजूर है? कर लूंगा सेठ जी, आपकी नौकरी भी मंजूर कर लूंगा, लेकिन अपने बाबा का हिसाब कर लेने के बाद। तो क्या तुम हमको धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं सेठ जी, मैं तो आपको समझा रहा हूं। सेठ जी, गरीब की आह मत लीजिए, गरीब की आह आपको हिला के रख देगी। सेठ जी, रुक जाओ, बच्चा है, स्कूल में बहुत जोश है, दुनिया की ठोकरें खाकर तुम्हें होश आ जाए मेरे पास आ जाना, मैं तुम पे तरस खाकर फिर भी नौकरी दे दूंगा। शुक्रिया सेठ जी, आपकी नौकरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आज अपने बाबा के कटे हुए हाथ की सौगंध खाता हूं। मैं अब जब भी यहां आऊंगा अपने बाबा का हक आपसे छीन कर ले जाऊंगा, याद रखिएगा। क्या हुआ? क्या हुआ राजा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? राजा बेटा, सेठ जी मान गए ना? राजा बेटा, तूने सारी बात सेठ जी से कर ली ना, उन्होंने क्या कहा? राजा बेटे, अगर सेठ जी कुछ देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो हम सब तुम्हारे साथ है। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ तो कोई मजदूर काम पर नहीं जाएगा, हम सब हड़ताल कर देंगे। हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। शांत, सब लोग शांत हो जाइए। देखिए, हड़ताल का वक्त अभी नहीं आया है, मैंने सेठ जी से अपनी बात की है और अपनी मांगे उन्हें बता दी हैं। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं शहर के आला अफसरों से मिलकर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हक तो हम आपका दिलवाकर ही रहेंगे आपको, हमारे होते हुए आपको किसी किस्म की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपकी बिल में सारे मजदूर कितने हैं? यही कोई 50-60, कुछ दिन में काम करते हैं, कोई रात में, कुछ औरतें भी हैं, कुछ लोग तो मिल में गए हुए हैं काम करने के लिए और बाकी सब यहाँ मौजूद हैं। साहब, हमारे आने का और हमारे जाने का कोई समय नहीं है, जब भी चाहते हैं बुलवा लेते हैं और जब भी चाहते हैं छुट्टी कर देते हैं। साहब, अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमारा भला कीजिए। नन्नू भाई के साथ जो हुआ है, कल को ऐसा ही हमारे साथ था तो हम क्या करेंगे? कसूर तुम्हारा नहीं है बहन जी, कसूर है तुम्हारी अनपढ़ता का। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और शुरू से ही हमारे पास आ जाते। हमारी ट्रेड यूनियन बनी ही इसलिए है, आज तक हमारी इस यूनियन ने देश के मजदूरों का भला ही किया है, लेकिन अब जो मजदूर हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आए ही ना, तो हम क्या कर सकते हैं? ये लोग तो बर्बाद हो गए साहब, सारी उम्र की मेहनत का फल सेठ जी ने इन्हें ये दिया। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने बनवा कर रखे थे वो गिरवी रख कर इनका ऑपरेशन कराया, फिर भी इनका बाजू। अब तो आपने सब सुन लिया सर, आप जो भी मुनासिब कार्रवाई समझे शुरू करें। अब आप सब लोग बताइए कि क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? हाँ, हम सब आपके साथ हैं, हमें आपका हर फैसला मंजूर है, मंजूर है। हम जो भी करेंगे लेबर एक्ट के मुताबिक ही करेंगे, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे मालिक हो या मजदूर हो। ये
ट्रेड यूनियन के नेता हैं, कोई भी हरकत मत करना वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। मैंने साथियों, हमारी ट्रेड यूनियन अब आपके साथ है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर सेठ को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी ट्रेड यूनियन नन्नू को उसके हाथ का मुआवजा दिला कर रहेगी। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। डांट भाइयों, भाइयों, आप सब लोगों ने ट्रेड यूनियन के लीडरों की बात सुनी। इन्होंने आप सब लोगों के हक और मेरे बाबा के हाथ का मुआवजा दिलवाने का वादा किया है। इसलिए हम सब लोगों का यह फर्ज बनता है कि हम सब अपनी एकता का सबूत देकर इनकी मदद करें और जैसा ये सब कहें वैसा ही करें, इनकी हर बात माने। भाइयों, सेठ करोड़ीमल आप सबकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर आज तक आपको धोखा देता आया है, आपको लूटता आया है, लेकिन मैं आप सबसे यह वादा करता हूं कि मैं आप सब लोगों को साक्षर बनाकर ही छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ताकि उसके बाद आप लोगों को कोई भी गुमराह ना कर पाए। अब मुझे देखिए, अगर मैं शहर से पढ़ लिख कर ना आता तो मैं आप लोगों के हक और अपने बाबा के मुआवजे के लिए लड़ सकता, उनके मुआवजे के लिए आवाज उठा सकता? अच्छा तो साथियों, जब तक सेठ राजा के बाबा के हाथ का मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों में से कोई भी मिल के अंदर काम पर नहीं जाएगा। इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरण व्रत रखेंगे, तब जाकर कहीं इन मिल के सेठों की नींद खुलेगी, वरना ये सेठ हमारी नींद हराम कर देंगे। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। तुम्हारी बातें सुनके तो ऐसे लगता है कि ये ट्रेड यूनियन वाले हमें हमारा हक दिला देंगे, लेकिन बेटे ये मिल कब तक बंद रहेगी? बाबा, मिल तब तक बंद रहेगी जब तक सेठ करोड़ीमल आपके कटे हुए बाजू का मुआवजा नहीं दे देता और दूसरे मजदूरों का भी बकाया नहीं चुका देता। बाबा, सबका कुछ ना कुछ दबा के रखा है इस सेठ ने, किसी की तनख्वाह के पैसे तो किसी के ओवर टाइम के। अब इस सेठ करोड़ीमल को सीधे रास्ते पर आना ही होगा। राजा बेटे, अगर सेठ ने दोबारा मिल चालू नहीं की तो हमारे बच्चे रोटी कहां से खाएंगे? चाची, अब तक तुम लोग सूखी रोटी खाते आए हो, लेकिन अब रोटी पेट भर के खाने का समय आ गया। बाकी रही मिल चालू करने की बात, तो ये मिल अब सेठ के चालू करेगा। ये मिल तो चालू करेगा मजदूर, और वो भी अपना पूरा हक सुनने के बाद। बहुत उल्लू बनाया है सेठ ने आप सब, बड़ा फायदा उठाया इसने आप सबकी अनपढ़ता का, लेकिन अब मैं आप लोगों को उल्लू नहीं बनाऊंगा, आप लोगों की अनपढ़ता का फायदा नहीं उठाने दूंगा सेठ। अब मैं शहर से पढ़ लेके आ गया, मैं तुम सब लोगों को पढ़ाऊंगा और सारी बस्ती को साक्षर बनाऊंगा। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई बेटा, सबके साथ साथ अपनी बहन कृष्णा को जरूर पढ़ाना, ताकि उसके ससुराल वालों के मुंह पर जूते लगे। उन्होंने हमारी बेटी कृष्णा को जलील नहीं किया है, बल्कि बस्ती की सारी लड़कियों का मजाक उड़ाया है। हम सब पढ़ेंगे बेटा और तेरा साथ देंगे। हाँ हाँ, हम सब तेरा साथ देंगे। हाँ राजा भैया, हाँ ठीक है, अगर आप सब लोग मेरे साथ हो तो हमारी जीत निश्चित है। सेठ करोड़ीमल, आप सबकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर आज तक आपको धोखा देता आया है, आपको लूटता आया है, लेकिन मैं आप सबसे यह वादा करता हूं कि मैं आप सब लोगों को साक्षर बनाकर ही छोड़ूंगा।
चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ताकि उसके बाद आप लोगों को कोई भी गुमराह ना कर पाए। अब मुझे देखिए, अगर मैं शहर से पढ़ लिख कर ना आता तो मैं आप लोगों के हक और अपने बाबा के मुआवजे के लिए लड़ सकता, उनके मुआवजे के लिए आवाज उठा सकता। रंजना बेटी, दरवाजा खोलो। क्या खाना खाते ही सो गई क्या? क्या बात है डैडी, आप अभी तक सोए नहीं? अरे नींद किसे आती है बेटी, जब से नन्नू का बेटा राजा शहर से पढ़ लिख कर आया है ना, हमें नित नई परेशानियों में डाल दिया है। ट्रेड यूनियंस के लीडर के साथ मिलकर सारे मजदूरों को इकट्ठा करके गेट के सामने नारे लगवा दिए, हड़ताल करवा दी, अच्छी खासी चलती हुई मिल को बंद करवा दिया। अरे 30 साल के समय में किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन इस लड़के ने मेरे ही सामने मेरे ही मजदूरों से मेरे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं डैडी जो चापलूसी करना चाहते हैं या आपसे डरते हैं। आपके सारे मिल मजदूर आज तक आपसे डरते आए हैं, और आज के जमाने में डरता वो है जो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता वो अनपढ़ होता है। राजा एक बेहद समझदार और पढ़ा लिखा नौजवान है। डैडी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, साक्षरता हर जुल्म की तलवार है। जिसके पास साक्षरता रूपी तलवार है वो किसी भी प्रकार का जुल्म बर्दाश्त ही नहीं करेगा। राजा ने भी ऐसा ही किया। डैडी, राजा इंसाफ चाहता है, आप प्लीज इंसाफ कर दीजिए। कहना क्या चाहती हो? अब मुझे ही अपनी बेटी से सीखना होगा कि इंसाफ कैसे करना है। तुम शहर जाकर 4 अक्षर अंग्रेजी की क्या पढ़ाई? तुम ये भी भूल गए कि छोटे बड़े के साथ कैसे बात करनी है? उस 2 टके के छोकरे की तरफदारी कर रही हो जिसका ये भी नहीं मालूम कि उसके घर में चूल्हा जलता भी है कि नहीं। और उसके भी जिम्मेदार आप हैं डैडी। और आपने अभी अभी जिसे 2 टके का छोकरा कहा ना, वो एक बहुत बड़ा विद्वान है। बाप के सामने इस तरह से बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, अब मेरी भी एक बात सुन लो। आसमान पर रहने वाले जमीन पर कभी नहीं देखते। जमीन चाहे कितनी ही पथरीली क्यों ना हो, आसमानी परिंदे हमेशा उस पर ही धराशायी होते हैं। डैडी, गुड नाइट सुनने से पहले एक बात और सुनते जाइए। मैं आपका बुरा तो नहीं चाहती, लेकिन मैं राजा के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। लड़की, ये मत भूलो, तुम्हारे अंदर सेठ करोड़ी मन का खून दौड़ रहा है। हमसे जो टकराएगा हर दौर धर्म की टक्कर में, हर दौर धर्म की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हर दौर धर्म की टक्कर में डेढ़ करोड़ी मन कल्लू। मैंने सारी उम्र तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट पाला, तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारे दिल के अंदर इतना ही गुस्सा था तो तुम मेरे पास आते, मुझसे कहते, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। लेकिन तुम इस 2 टके के छोकरे राजा और ट्रेड यूनियन के लीडर के पीछे लगकर मुझसे क्या ले लोगे? अरे सेठ जी, एक एक को नौकरी से निकाल देंगे, और रहा सवाल पैसों का, मैं 1 कौड़े भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। अरे मैंने सेठ जी का नमक खाया, गुड़ नहीं। भाई राजा, बुलास देता के बच्चे को, उसका एक एक दांत तोड़ दूंगा मैं। जो सनी, इन लोगों को तो मैं देखता हूँ। तो नन्नू के हाथ का मुआवजा चाहिए? ओवर टाइम चाहिए? हट।
बे कल्लूर जीवन अंदीप चाहिए, जीवन अंदीप चाहिए। शर्म हो यादव, तुम्हें आनी चाहिए दीदी। जब मेलों से निकल कर मजदूरों की बस्ती का साथ दे रही हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जब अपने बाप की इज्जत का जुलूस निकाल रही हो, यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। बैठो। थैंक यू। मेरा निजी तजुर्बा ये कहता है कि तुम जरूर कुछ कर गुजरोगे। देखो राजा, यहाँ की जिलाधीश होने के नाते मैं सरकारी तौर पर तो तुम्हारी मदद करूंगी ही, मगर मैं निजी तौर पर भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी तरह जज्बातों से भरी हुई मेरी एक बेटी है जो कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है, उसका नाम गीता है। गीता इज हियर। आओ बेटी बैठो। मैं अभी अभी तुम्हारी बात ही कर रही थी राजा से। राजा? कौन राजा? ये है राजा, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नमस्ते आंटी। हेलो राजा, मैं रंजना हूँ, सेठ करोड़ीमल जी की बेटी। जैसे तुम शहर से बीए करके आए हो, वैसे वही मैंने भी शहर में लेबर लॉ का डिप्लोमा किया है। राजा, तुम्हारे विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। तुम्हारी पहली गेट मीटिंग में मैं तुम्हारे विचार सुन चुकी हूँ। टक्कर अब विचारों की है। डैडी के विचार हमसे बहुत अलग हैं। मुझे तो लगता है इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। तुम्हारे थोड़ा बहुत कहने से मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ। नंबर एक, राजा के पिता के हाथ का मुआवजा। अब ये बताओ, क्या तुम इसके लिए राजा का साथ देने को तैयार हो? अगर हो तो मिलाओ हाथ। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? हम दोनों की लड़ाई में तीसरा कोई नहीं आएगा। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाती हूँ। उस दिन मैंने ट्रेड यूनियन वालों का भाषण सुना। वो कह रहे थे कि वो हड़तालें करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इससे क्या होगा? इससे किसी का कोई फायदा नहीं, न मिल मालिक का और न मिल मजदूर का। अगर डैडी सीधी राह पे आ जाते हैं और मजदूरों का उनका हक मिल जाता है, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके डैडी इतनी आसानी से मान जाएंगे? उन्होंने मुझे ये साफ साफ कह दिया था कि मैं एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। ये तो मुझ पर छोड़ दो, एक बार ट्राई कर लेने में हर्ज ही क्या है? और आखिर वो मेरे डैडी हैं, नहीं तो कल मुझसे कहेंगे कि बेटी तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। मैं एक बार उन्हें पूरा पूरा मौका देना चाहती हूँ। एक बार आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है, वरना कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। चलता हूँ। नमस्कार, बाय। जो काम करता है, दिन रात खटता है, वो सूखी रोटियां खाता है, और जो काम नहीं करता वो मेवे वाली खीर खाता है, आप लोगों की तरह। क्या बकवास कर रही थी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई। तुम्हारी अनपढ़ता और राजा की पढ़ाई देखकर मैं पागल हो गई हूँ। गरीब मजदूरों की सहायता करता है, वो उनका भला चाहता है, और तुम गरीबों का खून चूसना चाहते हो। यही फर्क है उसमें और तुम में। बेटी, ये फर्क मिटाया भी तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं मिटाया जा सकता डैडी? आखिर ये फर्क क्यों नहीं मिटाया जा सकता? यही उनकी तकदीर है। ये उनकी तकदीर नहीं डैडी, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी जिद है। नौकर मालिक की संतान होता है। अगर आप उन्हें सनी की तरह प्यार दें, उन्हें इंसाफ दिलाएं, उन्हें उनका हक दें, तो ये दूरी मिट सकती है। डैडी, आप समझते क्यों नहीं? आज का इंसान जाग चुका है, वो जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप उनके सिर पर प्यार का हाथ नहीं रखेंगे तो बगावत और बढ़ेगी। सरकारी
और गैर सरकारी संगठन सक्रिय होंगे और हर इंसान उन्हीं का साथ देगा क्योंकि उनकी लड़ाई सच्ची है। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, नहीं तो नतीजा ये निकलेगा कि बरसों से चल रही करोड़ी मलमील बंद हो जाएगी। बेटी मुझे मजबूर मत करो, मैं कुछ करना बैठूं। हाँ डैडी करिए, कुछ कीजिए डैडी, आपको कुछ करना ही है तो राजा के बाबा का इंसाफ कीजिए। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आखिर तुम उससे किस बात का इंसाफ करवाना चाहती हो? तुम चाहती हो क्या मैं सड़क पे आ जाऊं? नहीं डैडी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार उन्हें गले से तो लगा कर देखिए जो आज बगावत की मशाल लिए घूम रहे हैं, वो कल आप पर जान न्योछावर करने को तैयार हो जाएंगे। डैडी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मजदूर है तो मालिक है, काम है तो मिल है। डैडी प्लीज आप इस मिल को ताला लगने से बचा लीजिए। डैडी प्लीज, डैडी मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज डैडी, आपकी बेटी मजदूरों के साथ साथ आपका और इस घर का भी भला चाहती है। प्लीज डैडी आप मेरी मात मान लीजिए, प्लीज डैडी।